ये देखें करहारा कला के लोग बता रहे हैं कि कम से कम बात जब चुनाव की आती है तो लोग अपने मुद्दे गिनाते हैं, तो ये तो आदमी को मरते मरते कम से कम इतना तो होना चाहिए कि अच्छे से जला जा सके, शमशान घाट गांव को मिलना चाहिए, उसकी जिंदगी सुधर सके, मिट्टी का हक लग सके। ऐसा तो नहीं कि बारिश में तिरपाल टांग तिरपाल खींच कुछ नहीं, अगर तिरपाल डाल तिरपाल ले गए अपन। अब जैसे ज्यादा परेशानी है, हम नहीं जल पा रहा हूँ तो ऊपर में तिरपाल लगा ले हैं और डीजल डाल है, जब जल पा है नहीं तर कैसे जलत बताऊ आप ही। स्कूल भी नहीं है, कोई कोई मंत्री ये नहीं कह सकता मैं स्कूल बनवा दूं। लड़कियां जाती हैं हमारी चरखारी या जहाँ महोबा जा, बारिश में भीनती जा रही हैं। लोग यहाँ से धक्का मारते, हम चाहते हैं कि 12 पास तक स्कूल यहाँ हो जाए। ये बताइए इतना गौशाला का मर रहे योगी साहब क्या कर रहे हैं वहाँ, यहाँ तो देखते नहीं है विधायक, कोई आता नहीं है, विधायक जी नहीं आए। फिर मैं वहीं आ जाऊंगा कि इतने बड़े काम हुए, राम मंदिर तो बना है, राम मंदिर हमें क्या मतलब, बेकार है जी। कल सिलेंडर 450 में भर देते, अब कितने में भर रहे, 1200 में भर रहे, ये विकास है। इंदिरा जी के राज में पट्टी हुई, मायावती के राज में पट्टी हुई, इनके राज में क्यों नहीं पट्टी हुई है ये बताइए। आ रहे कि 200 पार कर ले, 400 पार नहीं हो पा, कभी नहीं 200 तो कर जा पहले पार भी। नमस्कार, फिर से एक नई कवरेज में स्वागत है आपका। चाय की दुकानों पे अक्सर दिन भर राजनीति की चर्चा होती है, तो हम एक चाय की दुकान पर आ गए हैं और चाय की दुकान पर अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा माहौल पता चलता है। तो हम लोग चाय की दुकान पर आ चुके हैं और अभी भी हम चरखारी क्षेत्र में हैं और ये महोबा ज़िले में चरखारी विधानसभा और महोबा ज़िले का ये गाँव है। हम लोग बात करहारा कला फिर से बैठे हुए हैं, हम दूसरी तरफ आ गए हैं, यहाँ चाय की दुकान है। तो चाय की जैसे ही बात आती है तो चाय पर मोदी जी की भी बात आ जाती है, क्योंकि अक्सर वो कहते हैं कि हम चाय बना के प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ एक लोग चाय बना रहे हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? चमन प्रकाश गुप्ता। चमन प्रकाश गुप्ता जी, चमन प्रकाश जी कब से चाय बेच रहे हैं यहाँ? हमको 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए, तो आप तो पूरा गाँव का माहौल यहीं दुकान से पता चल जाता होगा? सब पता चल जाता, क्यों चल रहा है इस बार क्या है चमन प्रकाश जी गाँव में? और यहाँ सब पार्टियाँ हैं, सब पार्टियाँ, हाँ कमल भी है और आपकी ये सपा भी है और BSP भी है, तीनों हैं। हाँ वो तो मुख्य लड़ाई तीनों में ही है। और मैं चाहूँगा कि आप एक बार ये बता दें कि गांव के मुद्दे क्या हैं, गांव के आदमी क्या सोच के वोट देते हैं? अब ये तो उनकी मन की इच्छा है, जो इच्छा होगी वो ही वोट देंगे वो तो। अब हम कौन बता सकते हैं आप कमल पे देते रहे कि कोई सपा पे दे रहा। ये बात है, गांव में कुछ काम हुए हो गिनाना चाहें? काम तो काफ़ी हुए हैं, का नहीं हुए हैं, सरकार में काम तो होते ही जब काम आते हैं तो अब कुछ काम ऐसे भी हो जाते नहीं हो पाते हैं। तो काफ़ी सदी हुई बात कर रहे हैं गुप्ता जी, और मैं दादाजी के पास आता हूँ। दादाजी सांसद को हैं यहाँ पे, पुष्पेन सिंह चंदेल हैं। अभी आए हैं सांसद जी गाँव? अभी नहीं, मेरे को एक ही बार नहीं आए गाँव में, 10 सालों से नहीं आ पाए। बिल्कुल नहीं, देखा नहीं आप गांव में, जीत जा सब देखते ही नहीं है कि कहाँ करा रहा है। सिर्फ 14 में प्रचार को आए थे, इसके बाद इस गांव में देखने नहीं आए, 14 के अलावा बिल्कुल। काम गिनवाना चाहें जो हुए हुए सरकारों में? उनने तो कुछ ही नहीं समझ में आ रहा कि ये काम करवा रही है BJP की सरकार में, कोई काम नहीं हो रहा है। हर गाँव में है सो हमारे गाँव में है, बस वही लेटरन जन सुविधा है जो घर की, बस वही है। अभी आज तक हमारे गांव में शमशान घाट नहीं है, एक एक लोग बता दे। हाँ आज तक हमारे गांव में शमशान घाट नहीं बना। कहाँ जलाते हैं फिर? ऐसी जलाते हैं पठवन अठवन में, खुले में, बारिश में कैसे बॉडी ऐसे खुले मैदान में, बारिश में घर से पानी ले जाते। मैंने आपसे कहा ना पहले कि जैसे बारिश है और ठंडी है, ठंडी में कोहरा पड़ जाता है। ये देखें करहारा कला के लोग बता रहे हैं कि कम से कम बात जब चुनाव की आती है तो लोग अपने मुद्दे गिनाते हैं, तो ये तो आदमी को मरते मरते कम से कम इतना तो होना चाहिए कि अच्छे से जला जा सके, शमशान घाट गांव को मिलना चाहिए, उसकी जिंदगी सुधर सके, मिट्टी का हक लग सके। ऐसा तो नहीं कि बारिश में तिरपाल टांग तिरपाल खींच कुछ नहीं, अगर तिरपाल डाल तिरपाल ले गए अपन। अब जैसे ज्यादा परेशानी है, हम नहीं जल पा रहा हूँ तो ऊपर में तिरपाल लगा ले हैं और डीजल डाल है, जब जल पा है नहीं तर कैसे जलत बताऊ आप ही। दादा आप कुछ कहना चाहते हूँ? अब वही है, बस एक ही मुद्दा है कि कम से कम शमशान हो, या जैसे यहाँ मैदान में है यहाँ भी कोई साधन हो।
स्कूल भी नहीं है, कोई कोई मंत्री ये नहीं कह सकता मैं स्कूल बनवा दूं। लड़कियां जाती हैं हमारी चरखारी या जहाँ महोबा जा बारिश में भीनती जा रही हैं लड़का लोग यहाँ से धक्का मारते, हम चाहते हैं कि 12 पास तक स्कूल यहाँ हो जाए। हमारी बच्चियाँ कैसे जाती हैं, ऑटो से या ऑटो से बस से, जो ऐसे मिल जाए वही से चली जाती हैं। बच्चियाँ इंटर करने महोबा या फिर चरखारी महोबा ज़्यादा जाती हैं। तो वो बस 8वीं तक है, 8वीं तक है तो विद्यालय, बहुत सारे काम है जो यहाँ बाकी रह गए हैं गांव में और गिना रहे हैं लोग। कम से कम इतने मुद्दों पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे जब बात होती है तो वाकई मुझे भी बहुत खुशी होती है कि लोग शिक्षा पे बात कर रहे हैं। हाँ गौशाला है, गौशाला में देखो पहले जाके क्या हालात है। गौशाला में 1,00,000,000 रुपये वहाँ लगाया, 1,00,00,000 यहाँ लगा देते चमन बरस जाता। ये बताइए इतना गौशाला का मर रहे योगी साहब क्या कर रहे हैं वहाँ, यहाँ तो देखते नहीं है विधायक, कोई आता नहीं है। विधायक जी नहीं आए? नहीं कभी नहीं आते हैं। 4-5 हज़ार विधायक गोस्वामी साहब हैं क्या, को है और पहले तो आते, जब आप पान खाने आते थे पहले विधायक नहीं बने थे, अब विधायक बन गए पान खाने लोग नहीं आते हैं। बताए विधायक जी यहाँ पान खाने आते थे, जब से विधायक बन गए हैं जब से पान खाने लोग नहीं आते हैं। तो कम से कम काम ना कराए, पान खाने के बहाने आ जाए। तो हम तो हमको नहीं चरण छुगा थे, आ तो यहाँ ये तर करार कभी घूम तो जा, मैं बैठ जाऊँगा आपके पास। आप बैठ जाओ कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ आते रहते हैं। पान निकलता है जब कभी, निकलता है तो नेता जी से अच्छे संपर्क है शायद। हाँ है संपर्क, बढ़िया बैठ जाओ नेता जी। हम सबसे ज्यादा ये है कि गौशाला के लिए व्यवस्था करवाई चाहिए मोदी को और योगी के, यही प्रार्थना है हमारा कि गौशाला बनवाई है तो विकास की बात ना करें, विकास की बात ना करें तो बहुत अच्छा है। फिर मैं वहीं आ जाऊंगा कि इतने बड़े काम हुए, राम मंदिर तो बना है। राम मंदिर हमें क्या मतलब है, कोई मंदिर का बेकार बेकार है ये। हाँ क्या करे, अछूत नहीं आ पाता हुआ। जब कोई जाएगा पढ़ तो ना है, राम से कोई ताल्लुक नहीं, जब आदमी हमें तो देखने को नहीं लेगा करेंगे। तो बात वहीं आकर राम मंदिर पे आ गई है कि ये तो बीजेपी सरकार बता दी है कि हमारा सबसे बड़ा काम है राम मंदिर, हमने बनवाया है। बादल कहते थे कि नाम डेट नहीं बताएंगे, विपक्ष हमला करती थी कि तारीख नहीं बताएंगे। यार राम मंदिर बन गया सो क्या करे, ये हुआ मुर्दा जलाने जाएंगे क्या राम मंदिर में छाए में? तो राम मंदिर मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है यहाँ से। इस बार जनता किसके नाम पे वोट देगी, ज्यादा बता तो दो। हमारा तो विकास के नाम पे जाना है वोट, हमें मोदी को वोट दे नहीं नहीं है। तो काफी गुस्से में लग रहे हैं, और यहाँ मोदी जी के ऊपर गुस्सा है कि लोकल नेताओं के ऊपर गुस्सा है? सबके ऊपर है, जो आता नहीं है देखता नहीं है सब। सब मोदी है जैसे लोकल है, सब बराबर है, वो सब बराबर है, एक ही थाली की चट्टी बट्टी है वो तो। हाँ एक ही थाली की बिल्कुल, जैसे मोदी जैसी साज सब बराबर नीचे से ऊपर तक एक ही है सब। मायावती तो भी सड़क पे कभी नहीं दिखती है, तो हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो विकास को देखना है, विकास को देखना बस। विकास कौन करा सकता है? जो विकास कराएगा उसी को वोट देंगे। किसकी मतलब टीवी चैनल देखते हैं लगता है, कौन विकास करा सकता है? आ रही सरकार जिसको दे देंगे हम। अरे वाह, अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन सरकार बदल देंगे क्या? बदलेगी वो तो। हाँ वो तो बदल नहीं बदलना है, जो बढ़िया करेगा कारोबार है। हमें समझ में आ रहा कि 200 पार कर जाए, सही बात है। नहीं वो मोदी की गारंटी से आपके, तो गारंटी तो हम तो बता रहे हैं कि 200 पार कर ले, 400 पार नहीं हो पा, कभी नहीं 200 तो कर जाए पहले पार भी, बेईमानी करेंगे तो कर लेंगे 600 भी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। बेईमानी कैसी? यही पेट हेरा फेरी ईवीएम में और क्या है, बाकी 400 नहीं तो 200 पार नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। दादा नाम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, नाम और बता दूं आप? बालकिशन। बालकिशन हाँ। ये बालकिशन जी हैं और करहारा कला से बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। यहाँ मोदी की गारंटी से आप कितना समझते हैं? वो कहते हैं मोदी की गारंटी, कोई गारंटी नहीं है, कितने जुल्मे आए उन्हें कितने जुल्मा बोले, कितनी गारंटी देंगे? कहते कि जब आए थे जब कहते कि बाहर से वो ले आएंगे हम काला धन, सबका विकास सबका साथ, ये हाँ। ये हो रहा है कि सबको यहाँ से भगाओ, हाँ। गरीब ना मिटाओ, गरीबों को भगाओ, काला धन नहीं आ पाया, कहाँ आ पाया, यही देश का काला जन सफेद काला सफेद घन का काला धन बना दिया और क्या। हाँ। ये सिलेंडर रखे देखो वहाँ, हाँ, दिखाओ, हाँ, दिखा दो किसान के मिलते थे भैया शुरू शुरू, सही बात है। ये सिलेंडर 450 में भर देते, अब कितने में भर रहे? 1200 में भर रहे, ये विकास है।
क्या बात है, देखे सिलेंडर भी सामने है, ये विकास है। हाँ हाँ, क्या कह रहे? अरे बोल रहे चाचा, चाचा से बोल बोल। यहाँ बहुत अच्छी बात हो रही है, जो जो मैं वो जानता हूँ, अब यहाँ हर कोटेदार हैं, हर गांव में कोटेदार प्रधान से अच्छा होता है, गांव का मालिक जैसा होता है। कोटेदार को जो देखना चाहिए कि मोरी में कोटा रखे तो किस आदमी को मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, होना चाहिए ना भाई। राशन बना होगा, 5 किलो राशन नहीं मिल रहा किसी भाई, हम कहा दुनिया को मिलता है, जो भूखल मिल रहा है उसको पूछना चाहिए ना। कोटेदार नहीं देता अपनी जेब से को। आयुष्मान कार्ड बताएं, बना कि नहीं बना? क्या कोई किसी का नहीं बना, यहाँ सब फ्री में इलाज हो रहा, नहीं हो रहा, सब कुछ नहीं, सब प्राइवेट जा रहे हैं। आदेश निकला था कि जिसके पास 6 मिनट होगा उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा, बनना नहीं बनेगा, नहीं तो बना नहीं। और जिससे कम हो जाता, जैसे 4 वाला भी तो गरीब होता है, नहीं 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 बनाता, नहीं बनाता, वो ऐसी तैसी में जाए, छोटा परिवार वाला ऐसी तैसी में जाए। बताइए, योगी के राज में पट्टे पहले होते थे, इंदिरा के राज में, इंदिरा जी के राज में, इंदिरा जी के राज में पट्टे हुए, मायावती के राज में पट्टे हुए, इनके राज में क्यों नहीं पट्टे हुए ये बताइए आप। बड़ी बात कर रहे हैं, क्या गरीबों की नहीं है ये सरकार? ये गरीबी को सरकार होते तो पट्टे होते, हम भूमिहीन बैठे आज, हमें बच्ची पढ़े लगते हैं, हम जितने कमाते हैं उतने का बच्चन खिलाने 600 रुपये इकट्ठा करके पढ़ाते हैं। तो मंच से कहते हैं कि कांग्रेस ने पट्टे कराए हैं। हाँ, उनकी जो है कांग्रेस, हम 1984 के जन्म बैठे हैं, हमें हमें याद है। दादा, मोदी जी मंच से बोले, सुनिए तो मैं आपके पास आता हूँ, मोदी जी मंच से बोले कांग्रेस आएगी तो औरतों के मंगलसूत्र छीन लेंगे। हाँ छीन लेंगे भैया, काहे नहीं छीनेंगे, जब जैसे वे कहेंगे उनके मुंह से सब अच्छा लगता है, बड़े के मुंह से सब अच्छा लगता है, बड़े के मुंह में घी सक कर वो कहते गू खाओ तो खाने पड़ेगा, अच्छा छोटा कहते कि गू खाओ तो उसकी फांसी हो जाए। अरे छोटा आदमी कहते कि गू खाओ तो उसकी फांसी हो जाए, अबे हम तो बैठे हैं ना, किसी का बाहर सर जा, अब भैया ने बाहर सर गो, और किसी छोटी बिरादरी ने पा दिया है, साले ने पा दिया, हटाओ यहाँ से। गलत हो तो बताओ। नहीं नहीं, काफ़ी बुंदेली बहुत अच्छी बोल रहे हैं दादा। भैया हम तो जब से हमने सूरत समारी गाय बछड़ा का चुनाव हुआ था, जब से पट्टे करे हैं, लोग हर जान हल हाँकते थे किसानों को, वो भी छुटवाया, गाय को गंदा उठाना वो भी छुटवाया, और ढोल बछेरू उधेरते थे वो भी छुटवाया, सब काम छुटवाया, और ले गए ऊपर खड़ा कर लिया, हम तो उसी को वोट देंगे, उसी को गाएंगे, वो हारे चांद जीते। किसने करवाया? इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने, बाबा साहब को विधान वो ले गए, का नाम है संविधान ले गए, वही चली है, संविधान की बात आ गई है। हाँ, आज आज भी खड़े हमारे यहाँ, कोई एक बीघा का नहीं, जे बढ़े जो संविधान की, जो मायावती की बात करें, एक बीघा जमीन नहीं निकलवा रहे हैं। हाँ, आप तो नेता जी हैं, काय की काय की, अम्बेडकर जी के लिए जगह नहीं है गांव में, अम्बेडकर की ऐसे ही नहीं कर, बगैर प्रस्ताव ग्राम प्रधान प्रस्ताव दिया कहाँ से निकालेंगे, वो डरवा का भेज, तुम नहीं यार गांव में, तुम नहीं कह सकते, हम तो खूब कहा था, ऐसी तो कह रहा काय नहीं प्रधान से। हाँ, हम तो अब ये तो बात जाने कहाँ लो जाएगी, नहीं जाएगी बिल्कुल, ये प्रधान से कहो बगैर शासन के आदेश से अम्बेडकर की करो, बगैर शासन के हम तो स्वयं खड़े करे हैं कि हम पूछ रहे हैं, करे हैं पूजो, लेकिन जब उनका टाइम आएगा, कोई आएगा हमारे जैसे आएगा वो करवा देगा। काफी देर बात हो गई है तो मैं लास्ट में कहूंगा कि हम लोग करारा कला में हैं, और प्रत्याशी एक बार बता दूं कि बीजेपी से तीसरी बार कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हैं, सपा से यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी अजेंद्र सिंह लोधी हैं कनकुगा वाले, और तीसरे प्रत्याशी हैं निर्दोष दीक्षित जी, वो बहुजन समाजवादी के प्रत्याशी हैं, हाथी से लड़ रहे हैं। तो आप किसको वोट करेंगे, किसकी सरकार आने वाली है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता का राज, ये वीडियो अपनों तक ज़रूर भेजिएगा, और 20 मई को वोट डालने ज़रूर जाइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।